हाथ पीछे लग रहा है। प्रशासन का आदेश तोड़ते हुए इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। एक और नया दिन, एक और नई शुरुआत और एक और नया स्पॉट, केलवा डैम। तो आज मैं अकेला नहीं हूँ, आज मेरे साथ एक पार्टनर भी है जो कि मेरा भाई है, उसका नाम अभिषेक है। हेलो कैसा लग रहा है? बस मज़े में एकदम। जाते केलवा डैम एक्सप्लोर करते। ओके लेट्स गो। कोई फिर डाल लेगा टाइम पे जा रहे शायद क्रिकेट है ट्रेडिशन ऑफ विलेज। कैमेरा है क्या ह्याच्यामध्ये? तू दिसणार आता सगळ्यांना, लोकांना सगळ्या लोक बघणार तुला। काय नाव तुझं? प्रणव। तुझं नाव काय? संचित। कोड चाललं? मी डॅम वर चाललोय। तुझी सायकल आहे? मस्त आहे एकदम। फोडून दाखव, काय फोडतोय दाखव ना फोडून। बाय बाय। अरे वा, हेअरस्टाईल भारी आहे दोघांची। अच्छा ब्रेकफास्ट कर रहे हो क्या आप लोग? ये कौन सी डिश है? हाँ भाई, यू आर कमिंग ऑन यूट्यूब, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, आई हैव अ ग्रेट मील। बाय बाय। मौशी काय घेऊन चालली डोक्यावर? मावरा चीज कैरी फिश। नमस्कार मौशी, बरं आहे ना? किती वय तुमचं? वय कोणी पाहिले? अच्छा सात। कुठल्या गावात राहता तुम्ही? आम्ही खैरात राहते, पण जमीन आमची इकडे ना शेती। अच्छा शेती करत तुम्ही? काय लावलं शेतीमध्ये? भात लावलं। चला काळजी घ्या। हा चालेल। काफी भडक हुआ दिख रहा है। जिल्हा परिषद ठाणे, भारत निर्माण उपयोजता 2010, पिण्याच्या पाण्याची विहीर, दडपे पाडा। दडपे पाडा नाव आहे का गावचं? ओके। टर्टल दिखा मुझे, पीपल का पेड़, मंदिर बिना भगवान का। यहाँ पे आ गए दड़पे पाड़ा, यहाँ पर रास्ता भटक गए, पता नहीं चल रहा है कि अभी कहाँ पे जाना है, आगे भी रोड नहीं है। क्या लगता है तेरे को? पूछ लेते एक बार। अच्छा हाँ, उधर से रास्ता है क्या? अच्छा ठीक है। छोटे बच्चे ने बताया मेरे को यहाँ से रोड जाने का। ये डैम लगा लगा कहाँ से रोड है ना? ओके चल ठीक है। गाड़ी जो तो है 100 रुपये बांटो ले तू वॉशिंग के। चल मारेगी नहीं ना? क्या नाम है इसका? नाम तो नहीं रखा, नाम नहीं रखा। धन्यवाद। अभी पालकर वाला। धन्यवाद धन्यवाद। मोबाइल पे मैं कब से ट्राई कर रहा हूँ, लोकेशन ही नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से पूछ के जाना पड़ रहा है। वुड नॉट डिटरमाइन योर प्रीसियस लोकेशन। क्या नाम है तेरा? मेरा नाम जीतू डॉन सोलंगी। जीतू डॉन? नहीं जीतू सोलंगी। यहाँ पे मैं और एक यूट्यूबर से मिल रहा हूँ, चैनल का नाम है जीतू ब्लॉग्स, तो आप लोग एक बार चेकआउट कर सकते हो और भाई को भी सपोर्ट करो। ऑल द बेस्ट देखो। ये उम्र नहीं है खाने की है। क्या बोलते हैं इसको? अभी तो बोला ना पोंगा। क्या बचपन के दिन याद आ गए? एक्चुअली अपन जूली बोलते थे, जूली। चल क्या कर रहे अकेला? फाइनली केलवा डैम पे पहुंच चुका हूं मैं। एक और बेहतरीन नज़ारा, एक और बेहतरीन कुदरत का करिश्मा, क्या बोल सकते हो। और यहां पर गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिस भी लगाई है, महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से लिखा है सदर ठिकानी
करणे व डॅमच्या पाण्यात पोहण्यास सक्त मनाई आहे. येथे बुडून मृत्यू होण्याची शक्यता आहे. सफाळा पोलीस स्टेशन. सो गाईज प्लीज फॉलो दिस रूल्स. हमें प्रशासन को भी सपोर्ट करना चाहिए, एन्जॉय तो करना चाहिए. अपना टाइम तो यहाँ पे अच्छे से स्पेंड करो, पर साथ साथ में गवर्नमेंट के भी रूल्स रेगुलेशन फॉलो करो. दूर मुझे कुछ दिखा है, यहाँ पे आप देख सकते हो वुमन पावर. ये गांव के वुमनों में इतनी इतनी शक्ति होती है ना, इसको तो मैं उठा ही नहीं पाऊँगा, इतना हैवी है. अरे मावशी कशी एवढा वजन उठता चाल, तुम्ही खरंच मानला पाहिजे तुम्हाला. याम वजन असेल ना. मावशी किती लांबून घेऊन आले? सकाळी 7 वाजता जाऊन आणली. थांब एक मिनिट. काय नाव तुझं? काफी हेवी रहता है. अगर मैं इसको वेट को काउंट करूंगा ना, 10 किलो पकड़ ले, 10 किलो रहेगा. इतना हैवी कैसे कैरी करते हैं? पहले से आदत दी उनको. काफी बड़ा डैम है लेकिन ये एज कम्पेयर टू मनोहर का ना, उससे काफी बड़ा है. प्रशासन का आदेश तोड़ते हुए इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. वहाँ पे वोट क्या मारा था भाई कि पानी में जाने का नहीं? क्यों गया पानी में? नेक्स्ट टाइम मत करना ऐसा गलती. ओके, आने गया था क्या? इस पर कार्रवाई ना की जाए, इसको एक चांस हम देते. साइड में जो एक रोड आएगा ना, ये एक स्पॉट है. अगर फैमिली लेकर आप आओगे तो आपको जैसे डैम में आप एंटर करोगे तो लेफ्ट साइड में आना. तो लेफ्ट साइड में ये एरिया सबसे बेस्ट है फैमिली हैंगआउट के लिए. और अभी हम लोग जा रहे हैं राइट साइड के एरिया में, तो आप जाके देखते हैं राइट साइड का एरिया कैसा लगता है. मारना ना है ना? नाव का दीदा मयूर रोज घूम जाता हूँ. अरे भैंस लोग काफ़ी देख के डर रहे हैं मेरे को, और मैं भी उनको देख के डर रहा हूँ, कोई हमला ना हो जाए मुझ पर. बस डैम का दो ही साइड है, लेफ्ट और राइट ही है, बाकी कहाँ पे जा नहीं सकते क्योंकि ऑपोजिट साइड में सब माउंटेंस है. एक रोड टाइप पूरा बना है सर, और ये साइड में विलेज है, फार्म्स है, और ये रहा पूरा डैम. वही बोर्ड बाइक, और ये है मेन एंट्रेंस. यहाँ से हम पास हो रहे हैं अभी. लेंथ में एक्चुअली बहुत बड़ा है डैम. पे आने का प्रॉपर सीज़न वो है मॉनसून सीज़न, क्योंकि क्या गांव वाले बोल रहे थे कि तुम लोग गलत टाइम पे हो. उसका रीज़न ऐसा है कि आप देख सकते हो जो माउंटेंस है ना, वहाँ से वाटरफॉल चालू होता है, तो जो वाटरफॉल का व्यू है ना वो काफ़ी देखने लायक होता है. वो सब कुछ मिस हो चुका है. डैम पे ऐसा गाने लायक गाना कौन सा रहता है? अगर समझ तेरा मूड रहे तो अकेला है, कौन सा सॉन्ग आएगा? दर्द भरे. क्यों रे? मतलब रोमांटिक सैड सॉन्ग पसंद है. 12 बज गए, अपना पूरा स्किन जल जाएगा. पूरा सीज़न भी अपन ने गलत सिलेक्ट किया और टाइम भी गलत सिलेक्ट किया. शायद कोई तो भी है यहाँ पे. तो पानी का फ्लो का आवाज़ आ रहा है, तो डैम का पानी शायद यहाँ से छोड़ा जाता है. ये सेम यहाँ पे जो बना है ना, सेम वैसा मनोहर डैम पे भी है. मेरे को ऐसा लगता है कि सब डैम पे ऐसा रहता है.
बोट भी है यहाँ पे, बोटिंग भी होता है क्या यहाँ पे? नमस्कार साहब, झाला जेवन काय नाव तुमचं? कुणाल गवार आहे. कुठले राहणार आहे? वसईचं राहते. काय टायमिंग आहे जॉबचं तुमचं, ड्युटीचं? 7 ते 3. बघू इकडे, इकडून पाणी सोडतात ना. तुम्हाला हे विचारायचं होतं, हे ऍक्च्युली काय आहे? पाणी सोडतात म्हणजे गावांना किती वॉटर सप्लायचं आहे, किती हे आहे टाके वॉटर सप्लायचं. अच्छा, आणि इकडून कंट्रोल करतात ना? कुठे? हे हे ह्याच्यामध्ये लेवल पण मापतात ना? कारण असं सेम मी मनोहरला डॅमला गेलो होतो ना, तेव्हा तिकडे होता. अच्छा, चला इन्फॉर्मेशन भेटली आम्हाला. ऍक्च्युली काय छोड़ा जाता है, तो यहाँ से फ्लो होके उस साइड से निकल जाता है पानी. 25 गांवों को इस डैम का पानी मिलता है. ग्रेट. क्या है, मूवी है क्या? ना, पीछे लग रहा है. रूम पण असं दिलं तुम्हाला, तुम्ही हीट वाट लागेल तुमची. फॅन पॅन तरी द्यायला पाहिजे. फुल भट्टी आहे इधर, तंदूर भट्टी आहे. तंदूर भट्टी, फुल एअर कंडिशन रूम का व्ह्यू. स्पायडरमॅन निकलते. चल, वी आर रिअली मिसिंग वॉटरफॉल रिअली. यहाँ पे बोट्स भी है फिशिंग के लिए, मच्छी पकड़ी जाती है इस बोट पर जाके. और इसी के साथ केलवा डैम की जर्नी यहाँ पे समाप्त होती है. केलवा डैम को हम लोग ने दो साइड से एक्सप्लोर किया, लेफ्ट साइड से और राइट साइड से. अगर फैमिली लेके आओगे तो आप लेफ्ट साइड में जाइए. राइट साइड में जो डैम का पानी को रिलीज़ किया जाता है वो स्पॉट राइट साइड में है, और ये सेंटर का पार्ट है जहाँ से आप डैम में एंट्री करते हो. तो आई होप केलवा डैम आपको पसंद आए काफ़ी. ये भी अच्छा ब्यूटीफुल लोकेशन है, यहाँ पर एक विज़िट ज़रूर करना. केलवा रेलवे स्टेशन से ये डैम 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, सिक्योरिटी गार्ड ने हमें बताया. हम लोग आ रहे हैं पालघर से, नवली गाँव है, वहाँ से होकर आ रहे हैं हम लोग कमारा नवली गाँव से. तो उधर से रोड इतना कुछ ठीक नहीं है. मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप केलवा साइड से आइए. कोटे फिर नाले जंगला मधे. हाँ, रोज सर तुमची ड्यूटी? हाँ, रोज की एक टाइम रोज की ड्यूटी. ओके, तो साइनिंग ऑफ. बाय बाय केलवा डैम. बाय मेरे दोस्तों, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे. अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना. बहुत ही जल्द मिलेंगे हम अगले वीडियो में. टिल देन बाय. कमेंट भी करना. हाँ, कमेंट भी करना. प्रथमेश बॉलिंग कर रहा है, कर बॉलिंग. आज ठंडी है ना, ये 10 वाली है का? हाँ, तो 2 दे चले. थैंक यू. कमॉन, किती निघाला पाहिजे? एक काढायची, एकाला उडवायचं. सर, अच्छा असं आहे. बैठ गया, बैठ. एक पाला, ये चॅम्पियन आहे. हम लोग आते वक्त अलग रूट से आए थे, जाते वक्त इस रूट से जा रहे हैं. एक रोड
रेलवे स्टेशन। तो पानी में से जाने का? अरे एक मिनट रुक जा, इधर से जाने को रास्ता है ना, जाएगा ना गाड़ी, डूबेगा नहीं ना। अरे यहाँ से निकल चुके हम। मुझे डोर कोई खींचे, डोर डोर केवल इकड़ू ना है ना, पालघर जाए मैं। ओके चलो, थैंक यू।